अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक स्पेशल रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। आज मैं आपको शाही टुकड़े बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। फाइनल लुक आप लोगों के सामने, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी, ईद स्पेशल रेसिपी। तो उसके लिए तकरीबन 4 अदद मैंने ब्रेड ले ली। ब्रेड के जो हैं हम लोगों ने इनके किनारों को काट देना है, ऐसे आप लोगों ने इसके किनारों को काट देना है। आज मैं आपको शाही टुकड़े बनाना सिखाऊँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। आप लोग देख सकते हैं इनके किनारे जो है मैंने तमाम के किनारे अलग कर दिए हैं। अब हम इनकी ऐसे कटिंग कर देंगे, ऐसे, ठीक है। तमाम की मैंने कटिंग कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। एक पैन लिया और उसमें मैंने एक चम्मच घी डाल दिया और पैन को ग्रीस कर दिया अच्छी तरह से। अब एक एक टुकड़े को ऐसे रखते जाएंगे और बिल्कुल हल्का सा इसको सेक लेंगे। ज़्यादा आप लोगों ने इसको कलर नहीं देना, हल्का सा ऐसे सेक लेना है। एक मिनट मैंने इसको रखा, फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसको मैंने सेक लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब मैंने जो है आधा लीटर दूध ले लिया, वो डाल देंगे और इसमें 2 इलायची डाल देंगे, ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे चीनी, 3 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्याली में मैं 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लूँगी और थोड़ा सा मैं वहाँ से दूध लूँगी, गरम दूध, ठीक है। इसमें तमाम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी तरह से ताकि इसकी गुठलियाँ ना हो। आप लोग देख सकते हैं मैंने मिक्स कर दिए हैं और दूध में भी बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे और चम्मच को ऐसे आप लोगों ने चलाते जाना है बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे आप लोगों ने इसको चलाते जाना है। और माशाल्लाह से ये गाढ़ा हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें ऐसे ब्रेड के स्लाइस को रखते जाएंगे, थोड़ा सा इस पर कस्टर्ड डालेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे कस्टर्ड डालना है, उसके बाद जो ब्रेड के स्लाइस और थे वो इन पे सेट कर देने हैं ऐसे। इसके बाद जो बचा था कस्टर्ड वो डाल देंगे और इसको मैं गार्निश कर दूंगी बादाम से। आप लोगों ने इसको गार्निश कर देना है। आप लोगों को बादाम पसंद नहीं हो तो कोई और ड्राई फ्रूट्स या कोई जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर बादाम डाल दूंगी, बहुत ही खूबसूरती आती है इसे, आप लोग देख सकते हैं। अब 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी, उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो 1 घंटा मैं इसको ढक के रख दूंगी, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो 1 घंटा मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, तो 1 घंटा वेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। 1 घंटा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे शाही टुकड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ये स्पेशल रेसिपी है। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये शाही टुकड़े की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।